हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिविटी मीनाक्षी। देखिए मैंने कृष्ण जी की ड्रेस बनाई है, देखिए कितनी सुंदर है। और यहाँ पर ग्रीन कलर से पत्तियाँ भी बनाई हैं छोटी छोटी सी। और आप इस तरह से देखेंगे तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल फ्लावर टाइप में दिखेगा, जैसे फ्लावर होता है बिल्कुल उसी तरह से दिखेगा। और यहाँ पर मैंने ग्रीन लीव्स भी बनाई हैं। और यहाँ पर मैंने टोपी भी बनाई है इसी वीडियो में है। और ये चोली है, चोली मैंने नहीं दिखाई है, आप मेरी कान्हा ड्रेस प्लेलिस्ट है, आप उसमें से देख के चोली बना लीजिएगा। आपको जितने नंबर की चोली चाहिए आप उतने नंबर की चोली देख सकते हैं। 0 नंबर से 14 नंबर की चोलियाँ मेरी प्लेलिस्ट में हैं। और यहाँ पर मैंने पेटल्स बनाई हैं फ्लावर वाली। और यहाँ पर वूल वाले बीड्स लगाए हैं। अगर आपको वूल बीड्स नहीं लगाने हैं तो आप जो बीड्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर हर कलर के बीड्स नहीं मिलते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर वूल बीड्स बनाए हैं। और ये पेटल्स बनाई हैं फ्लावर वाली। और यहाँ पर ये पत्तियाँ भी बनाई हैं। और ये बिल्कुल फ्लावर शेप में ड्रेस बनाई है। आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये 0 नंबर की ड्रेस है, ये 0 नंबर की ड्रेस है। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाते हैं। ये हमारे 0 नंबर की ड्रेस है कृष्ण जी की। आपको जितनी बड़ी चोली बनानी है आप उतनी बड़ी चोली चैनल के प्लेलिस्ट में कान्हा ड्रेस है उसमें से देख के बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इसका साइड से ला लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ 1 घेरा बनाएंगे, 1 2 3। हर एक उसमें हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। हर एक एक उसमें 2 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इस राउंड को हम हर एक लूप में 2 2 डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर ये हमारा साइड में से बनाया है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। अब इधर आएंगे 1 राउंड लेते हुए। अभी देखिए यहाँ पर हमारा बना हुआ है, 1 को स्किप करके नेक्स्ट वाले में। डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इधर। हमने इस तरह से बनाया, 1 2 3, 3 हो गए। अब इस वाले में जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था हम उसमें बना रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। ये देखिए ये हमारे 10 हो गए। अब राउंड लिया, अब ये देखिए राउंड, ये 10 हो गए हमारे, राउंड लिया। अब इधर आ जाइए, ये इधर इस तरह से देखिए ये लिया हमने इस तरह से 1। ये हमारा इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, यानी कि हमने पूरे अपने यहाँ पर 20 डबल क्रोशिए बना लिए। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा ये इस तरह रहेगा, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा इधर बना हुआ है 1, 2, 3। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 1, 2, 2 का गैप लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, घुमा लिया। अब इसको इधर करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 का गैप लेके करा था, इधर है, यहाँ पर आ गया 1, 2, हमारा 3 में था, 1, 2 इधर ले लेंगे। ये रहा 1, 2, 3 को बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कर लिया, ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया, और सीधा करके लिया, राउंड लिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेवन एट नाइन। यहाँ पर भी हम पहले 20 डबल क्रोशिए बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट दूसरा वाला भी, ये देखिए हमारा इस तरह से ये दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 स्किप करे थे, 1, 2, 2 स्किप करके थर्ड वाले में हमने इस तरह से, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको यहाँ पर कर लेंगे, इधर कर लेंगे, और ये एक इधर, ये देखिए अब इधर था, फिर 1 इधर। वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव से यहाँ पर ये हमारी ये जो पत्तियाँ आई हैं इस तरह से बनी हैं। ये देखिए इस तरह से डिजाइन बना है पूरी ड्रेस में। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इधर, ये इधर हमारा, हमने यहाँ पर इधर जॉइंट कर दिया, यहाँ पर 1, 2, 3
थ्री चैन हो गई। ये जो हमारी ये जो कली सी बनी है इधर, ये कली हमें इधर निकाल के, ये इसके गैप के बीच में इधर निकाल के इधर थ्री फोर फाइव चैन बना ली और इस तरह से सिंगल क्रोशे से अटैच कर दिया। 1 2 3 4 5 6 सिक्स चैन हो गई। ये देखिए इधर इस तरह से ये अटैच होंगे। अब इसके अब इधर ये वाली पत्ती इधर आएगी और इधर इधर लेके ये इसे फिक्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला इधर आएगा, ये पत्ती इधर आएगी यहाँ पर, वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहाँ पर ये वाली पत्ती इधर अटैच करेंगे, ये वाला, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारी यहाँ पर पत्ती फिक्स हो जाएगी, हिलेंगी नहीं। ये देखिए इधर इस तरह से ये फिक्स होती जा रही है यहाँ पर इस तरह से। बैक साइड से हमारा इधर से इस तरह दिखेगा और ये देखिए फिक्स हो रही है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये वाला इधर, इस तरह से हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी इस तरह से लीव्स आ रही है। ये देखिए हमने हमारा ये पूरा सर्कल इधर बन गया है। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चैन बनाई, अभी इसी में 2 हो गया, 2 3 4 और 5 6 6 हो गया। 1 2 2 चैन बनाई। अब हम नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले में फिर से 6 डबल क्रोशिए, 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 2 चैन बनाई, फिर से 6 वाले में आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला सर्कल पूरा कर दिया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा कलर है, इससे यहाँ पर ये जो कलर है हमारा, ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से फिक्स करा। यहाँ पर हमें देखना है यहाँ पर जो हमारी जो ये वाली है, ये इधर इधर को फिक्स करना है। इधर फिक्स कर देंगे, कोई कहीं से भी उठा लीजिए। ये देखिए 1 2 2 चैन बनाई और ये यहाँ पर, यहाँ पर हम 2 चैन बना के थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। ये स्ट्रेच करा यहाँ पर 2 3 4 5 5 हो गया। ये इस तरह से
वन वन चैन बनाई और फिर इससे यहाँ पर ये जो हमारा ये जो बॉल सी बनी है इधर हमारी, देखिए इधर आएगी बॉल यहाँ, थोड़ा सा इस तरह से देखिए इस तरह से हमारी बॉल दिखेगी। फिर अब नेक्स्ट वाली में जाएंगे इधर जो हमारी इधर, तो हम यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाई, फोर फाइव, फाइव चैन बना के देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो गया वन टू, टू हो गया। और इधर इसके नेक्स्ट वाले में ये बॉल सी बन गई वन टू थ्री, थ्री फोर फाइव। फिर से इसको स्ट्रेच करेंगे वन टू हो गया, टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो गया वन। इसके नेक्स्ट जो हमारा जो इसके नेक्स्ट वाली चैन होती है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये देखिए इस तरह से ये हमारी वॉल बन गई है। आप चाहें तो थोड़ा सा संख्या संख फिक्स कर लीजिए। ये देखिए पहले हम अपनी फर्स्ट वाली डालेंगे, ये इधर आ गई, फिर हम ये हमारा ये रहा नेक्स्ट वाला, ये देखिए इधर ये रहा, यहाँ से दिखेगा तो यहाँ पहले हम अपनी फर्स्ट वाली डालेंगे, ये रहा, फिर नेक्स्ट वाली ये देखिए ये रही हमारी नेक्स्ट वाली, ये नेक्स्ट वाली इधर निकाल लेंगे, ये और फिर ये नेक्स्ट वाली वापस जी, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे इस तरह से, इसको इस तरह से कवर कर दीजिए। इसी तरह से हम पूरे राउंडों को सबके बीड्स बना देते हैं, ऊन से कवर पूरा कंप्लीट कर देते हैं, एक आधा बार बीच में भी फिक्स कर लेते हैं जिससे ये लूज नहीं पड़ेंगे और इसके बीड्स नहीं निकलेंगे। यहाँ पर फिक्स हो जाएगा तो ये यहाँ पर फिक्स रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो बीच बीच में हमें यहाँ पर फिक्स कर लेना है। ये देखिए ये हमारी वूल की बीड्स बन गई हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हम यहाँ पर अपना ग्रीन कलर ले रहे हैं, ये हमने यहाँ पर ये हमारा राउंड बन गया था। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने इसलिए बनाया था ताकि फिर हमें थोड़ा दिक्कत ना लगे, इसलिए अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फिक्स कर लेंगे। फिक्स कर लिया वन टू थ्री फोर फाइव, फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गए। इसको इस ऐसे ही रखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हो गए। ये देखिए हमने ये सिक्स बनाए थे, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखिए ये ऐसे रहेंगे ये इस तरह से। अब यहाँ पर वन टू थ्री, थ्री चैन बनाई, एक बीच में हम थोड़ा सा टाका दे देंगे
जिससे ये अलग नाम रहे। ए वन टू थ्री, थ्री हो गया। यहाँ पर अब हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चैन हो गई सिंगल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हो गया सिंगल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गया। फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर हम फ्लावर सा बनाते हैं छोटा सा इस वाले गैप में। ये देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से आएगा, हमारे इस तरह से फ्लावर्स बनेंगे। अब नेक्स्ट वन टू 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 थ्री, बीच में एक बार फिक्स कर लेंगे। वन टू यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिंगल क्रोशिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये देखिए इस तरह से हम अपने इन पत्तियों को भी बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी पत्तियां इस तरह से बनती जाएंगी। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस पैटर्न को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब हम यहाँ पर देख इधर इसको इधर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना के अटैच कर देंगे और ये इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और यहाँ पर ये हमारा ये वाला ऊन था, इससे यहाँ पर इसमें नॉट लगा देंगे। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा जो ऊन है इसको इस तरह से हम ज़्यादा कट नहीं करते हैं पास से, क्योंकि कभी कभी फिर वो नॉट खुल जाती हैं और ड्रेस खराब होने का डर रहता है। तो ऊन खुल जाएंगी तो फिर इसलिए हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए और ये हम बैक साइड से इस तरह से है और ये और हम इस ड्रेस के साथ की टोपी बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से वन टू थ्री फोर, फोर चैन बनाई। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी बनाए। और ये देखिए इसको हम स्ट्रेच कर देंगे इस तरह से। स्ट्रेच हो गया और अच्छे से। और यहाँ पर इसमें इधर सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर रहा हूँ। ये हो गया। हम नेक्स्ट वन टू थ्री हर एक उसमें
वन वन डबल क्रोशे हम बनाएंगे, टू इस तरह से बनाते जाएंगे हर एक एक लूप में वन वन डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर सारे फिनिश हो गए। अब हम इधर अटैच कर दिया, उस चाहे तो उस धागे को और अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए। ये देखिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर अपना ये वाला कलर लगाते हैं, अपना ये वाला कलर लगाएंगे। इसको बाइट वाले को स्ट्रेच कर देंगे, वन टू, इसमें भी हम एक एक ही बनाएंगे। हर एक उसमें एक एक बनाते जाएंगे। देखिए ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे। इसको स्ट्रेच कर दें। थ्री चैन हो गई और इसमें यहाँ पर थ्री फोर। वन टू थ्री फोर हर एक इसमें हमने टू बनाए। ये हमारी इस तरह से पत्तियां निकलेंगी। इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं इस वाले को, इसको कट कर दिया। अब नेक्स्ट बार देखिए यहाँ पर वन टू, ये देखिए यहाँ पर टू थ्री फोर। और नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे वन टू थ्री फोर, फोर हुआ वन टू थ्री फोर। फिर नेक्स्ट वाले में वन टू थ्री फोर, ये देखिए वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। देखिए हमें दो दो बार इस तरह से देना है इसमें, तो ये इस तरह से इसकी फ्रिल बन जाएगी वन टू थ्री फोर। और इसमें हमारे तीनों कलर्स आ जाएंगे।
1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 इस तरह से देखिए बनाते हुए हम पूरे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी टोपी रेडी हो गई है और हमारे इसमें तीनों कलर आए हैं जो हमारे ड्रेस में हैं। आप कृष्ण जी का सर को नाप लीजिए, मान लीजिए कृष्ण जी का सिर है और इंची टेप से आप सिर की गोलाई को नापिएगा, उसी हिसाब से आप टोपी बनाइएगा। छोटी बड़ी हो जाती है तो इसीलिए आप उसी हिसाब से नाप के ही, इंची टेप से नाप के ही डबल क्रोशिया बनाइएगा। और ये देखिए कितनी सुंदर सी फ्रिल आ रही है ग्रीन कलर से, ये देखिए। अगर आपको ये थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप और बढ़ा सकते हैं इसको। और आपको टोपी और ड्रेस कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके आप जरूर बताना है आपको। आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मेरी जो भी मैं चीज़ें बना रही हूँ थालपोस वगैरह और कृष्ण जी के ड्रेसेस, आप उसको पसंद कर रहे हैं। और ये मेरी ड्रेस कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। और ये बीड्स कैसे लगे जो स्पेशली वूल के बनाए हैं, अगर आपके पास बीड्स नहीं हैं तो आप वूल से बीड्स बना सकते हैं, ये भी मेथड मैंने आपको बता दिया है। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।